नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ के खतरे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तौफीक उमर और आप देख रहे हैं V1 News। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इन जिलों के 20 प्रखंडों के करीब 2 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई। यहाँ की हालात और गंभीर हो सकते हैं क्योंकि नेपाल की ओर से छोड़ा गया पानी बिहार के मैदानी इलाकों में फैलने की संभावना बढ़ती जा रही है। बता दें कि बिहार में बाढ़ से 50 से अधिक सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। इधर दरभंगा की बात करें तो देर रात 12:45 पर किरतपुर प्रखंड के सहरसा सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित कोशी नदी का बांध भूगोल के सामने टूट गया, जिससे 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई। रसियारी, किरतपुर, बगरस, दोहथा, जमालपुर, झगरुआ, कुबोल, धागा, तरवारा, तेतरी, अमृतनगर, बखारिया, सिरसिया, रही टोली, खतवारा, वर्दीपुर, सिरनिया, लक्ष्मीपुर, भंडरिया, कदवारा, कटरिया, रामखेतरिया सहित कई गांव मुख्य रूप से प्रभावित हुए। देर रात से ही DM सहित अन्य अधिकारी कैंप कर रहे हैं। रविवार के रात दरभंगा के किरतपुर के भूगोल गांव के पास कोसी की उपधारा ने पश्चिमी तटबंध को तोड़ दिया। इसके पहले 9 घंटे में सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बागमती नदी पर 5 जगहों पर तटबंध टूटे। फिर बगहा में चंपारण तटबंध भी टूटा। इस हालात को देखते हुए पश्चिम चंपारण जिले में 8 प्रखंडों के 58 स्कूलों को 2 अक्टूबर तक बंद करने को आदेश दिया गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सुपौल और पश्चिमी चंपारण के इलाकों में देखने को मिल रहा है। अररिया में भी बारिश और बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इससे एक दिन में ही 200 से अधिक गांव की करीब 3.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। अगले 24 घंटे में बाढ़ का दायरा बढ़ने की संभावना है, जिससे नए इलाकों में भी पानी फैलेगा। पश्चिम चंपारण के योगापट्टी और बैरिया प्रखंड के दियारा इलाके में रविवार की शाम अचानक बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे खुटवनिया, जलनपुर, सिसवा, मंगलपुर, नवलपुर, डढ़वा, चमूखा और हरपुर मुजौना पंचायत के 2 दर्जन गांव के लोग फंसे हुए। प्रशासन की ओर से 100 से ज्यादा परिवारों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है, लेकिन करीब 900 लोगों के अभी भी फंसे होने की बात कही जा रही है। जिला में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जानवर बाहर निकल गए हैं। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को NDRF के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार के हर आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF की 11 टीम काम कर रही है। 8 टीमों को रिजर्व में रखा गया है। जरूरत पड़ने पर पश्चिम बंगाल से भी टीम बुलाई जाएगी। अब ये देखने की बात यह है कि क्या बिहार सरकार इस पर कड़ी सुरक्षा करेगी और बिहार के लोगों के लिए अपना क्या योगदान दे। ये देखते हैं अगली खबर में कि क्या क्या बिहार सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए करती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए V1 News।